बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने LHV पार्ट टू के 16 पास पेपर स्टार्ट किए हुए हैं, और जिसमें से हमारे चार पेपर होंगे। चौथा पेपर हम कर रहे थे हेल्थ एजुकेशन का, और ये स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में मैंने डेफिनेशन और क्वेश्चन नंबर 2A और B पार्ट आपके साथ शेयर किया है कम्प्लीट डिटेल के साथ। जिन्होंने ये वीडियो नहीं वॉच की, लाजमी जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो ग्रुप डी चौथा पेपर है, उसके हम आज करने वाले हैं तीसरा सवाल A और B पार्ट, और चौथा डिस्क्राइब मैनेजमेंट फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये, जिन्होंने बुक से करने हैं वो बुक से कर सकता है, और जिन्होंने पास पेपर से करने हैं वो पास पेपर से कर सकते हैं। नो इशू, आपकी चॉइस है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ए पार्ट करेंगे सबसे पहले। स्कूल हेल्थ सर्विसेज की क्या अहमियत है? स्कूल हेल्थ सर्विसेज सबसे पहले हम देखेंगे कहते किसे हैं। स्कूल हेल्थ सर्विसेज रेफर्स टू द स्टेट ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स अमंग टीचर एंड अदर स्कूल पर्सन। स्कूल पर्सन यानी स्कूल के अंदर रहने वाले लोग और टीचर्स, इनके दरमियान कोई भी कॉमन प्रॉब्लम, कोई भी कॉमन डिजीज़, इनके लिए जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना स्कूल हेल्थ सर्विसेज कहलाता है, ठीक है। हेडिंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने याद रखनी है, जो कि याद रखने की चीज़ क्या है जी, हेडिंग्स। जब हेडिंग आपको याद हो जाएगी तो अंदर वाला जो एक्सप्लेनेशन या मटेरियल जो है ना, वो आप खुद ब खुद जो है राइट डाउन कर सकते हैं। जस्ट आपने कॉन्सेप्ट लेना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। वेलबींग और हेल्थ की प्रमोशन के लिए हम हेल्थ सर्विसेज, स्कूल के अंदर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने का क्या मकसद है, इसकी क्या अहमियत है। सबसे पहली अहमियत यही है कि हम हेल्थ की प्रमोशन करना चाहते हैं, हेल्थ में बेहतरी लाना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जी स्टूडेंट्स, अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन। अर्ली डिटेक्शन मींस कोई भी बीमारी है उसको पहले से ही डिटेक्ट कर लेना हेल्थ प्रमोशन के लिए जो है वो हमें हेल्पफुल हो सकता है, इसकी इम्पोर्टेंस को बयान करता है। तीसरा पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड इंजरी। कोई भी डिजीज़ है या कोई भी इंजरी हुई है किसी पर्सन को, उसको प्रिवेंट करना, उसको बचाना, उसको ट्रीट करना प्रॉपर तरीके से, ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक कंडीशंस। क्रोनिक कंडीशन जैसे कि अस्थमा है, डायबिटीज़ है, एलर्जी वगैरह, एपिलेप्सी, इनको मैनेज करना स्कूल हेल्थ सर्विसेज की इम्पोर्टेंस में शामिल है। प्रमोशन ऑफ हेल्दी बिहेवियर। हेल्दी बिहेवियर्स मींस न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, फिजिकल एक्टिविटी स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन, जो भी अल्कोहल वगैरह जो पर्सन, जो स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं उससे प्रिवेंट करना, हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करना स्कूल हेल्थ सर्विसेज की जिम्मेदारी है, इसकी अहमियत को जाहिर करता है, ठीक है। छठा पॉइंट है सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ एंड सोशल इमोशनल डिवेलपमेंट। मेंटल हेल्थ यानी दिमागी, स्टूडेंट्स की दिमागी हालत, और इसके अलावा सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, समाजी और इमोशनली तौर पे उसको जो है ना सपोर्ट करना, डेवलपमेंट स्टूडेंट्स में लेके आना, सपोर्ट करना, ठीक है, ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज में आता है। सातवां पॉइंट है इन्हेंसमेंट ऑफ द एकेडमिक अचीवमेंट। एकेडमिक अचीवमेंट में आ जाता है स्टूडेंट, जो भी स्कूल के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लर्निंग है, पार्टिसिपेट करना स्कूल एक्टिविटीज़ में, तो उसमें जो है इन्हेंसमेंट यानी उसको एकेडमिक अचीवमेंट स्टूडेंट्स में बढ़ाना, ठीक है, ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज में आएगा। फैमिली एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी और फैमिली, इन दोनों को इंगेज किस तरह करना है, ये भी स्कूल हेल्थ सर्विसेज में, यानी कोऑर्डिनेशन, और इसके अलावा कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा जो सवाल है बी पार्ट, वो ये है डिफाइन द हेल्थ रिकॉर्ड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड। हेल्थ रिकॉर्ड की सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। ओके जी, हेल्थ रिकॉर्ड की डेफिनेशन जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत मुश्किल है, मैं आपको इजी से एक डेफिनेशन बताती हूँ, वो आपने याद करनी है। हेल्थ रिकॉर्ड इज़ अ मेडिकल रिकॉर्ड, ठीक है। हेल्थ रिकॉर्ड इज़ अ मेडिकल रिकॉर्ड, इट इंक्लूड्स मेडिकेशन, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन एंड नोट फ्रॉम विजिटर्स टू अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ओके, इसको आप समझ लें अच्छे तरीके से। किसी ने ये डेफिनेशन लिखनी है तो वो कॉपी पर लिख भी सकता है,
लिख के जो है वो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। हेल्थ रिकॉर्ड एक मेडिकल रिकॉर्ड होता है, यानी जिस भी पर्सन का हेल्थ रिकॉर्ड है उसमें ये मेडिकल रिकॉर्ड है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, मेडिकेशंस, ठीक है, पेशेंट का ट्रीटमेंट, इसके अलावा पेशेंट की इम्यूनाइजेशन, ठीक है, एंड नोट्स फ्रॉम विजिट टू आ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर वो पर्सन जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है उसको, वो तमाम जो है उन चीज़ों के नोट्स बनाता है जो भी विजिट्स होते हैं। ये कहलाता है हेल्थ रिकॉर्ड, यानी हेल्थ के बारे में जितना भी पर्सन का रिकॉर्ड है ना, ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड, उसको शो करना हेल्थ रिकॉर्ड कहलाते हैं। आगे उन्होंने बोला है कि इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड क्या है, हेल्थ रिकॉर्ड की अहमियत बतानी है हमने। अहमियत ये है कि इसमें जो है ना, पहली हेडिंग बुक के अंदर मैंने इसको देखा है, डीपली जो है वो ढूंढा है, लेकिन कोई भी जो है हेल्थ रिकॉर्ड की इम्पोर्टेंस के बारे में कोई भी यहाँ पे टॉपिक नहीं है, तो फिर हमने यहीं से करना है। कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन मीन्स कि हेल्थ रिकॉर्ड में वसी अमाउंट में जो है वो डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होती हैं, जिस भी किस्म का रिकॉर्ड हो, ठीक है, जिस भी किस्म की हमारे जो है वो डिजीज़ हो उसके बारे में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होती है। सबसे पहली अहमियत तो ये हो गई कि हमें इससे जो है कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। दूसरा जो ये पॉइंट है कि दूसरा इन्होंने लिखा हुआ है लीगल एंड एथिकल कंप्लेंस। इसके अंदर हेल्थ रिकॉर्ड के अंदर पेशेंट की लीगल और एथिकल कंप्लेंस भी शामिल होती हैं, कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हेल्थ रिकॉर्ड जो है ना वो लीगल और एथिकल कंप्लेन जो होती है ना पेशेंट की, जैसा कि क्या क्या उसको हॉस्पिटल में जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, टाइमली उसको मेडिसिन दी जा रही है एक्यूरेट टाइम के ऊपर, इसके अलावा पेशेंट को प्राइवेसी मिल रही है, ये लीगल और एथिकल कंप्लेन जो है ना अखलाकी और कानूनी, ये हमें हेल्थ रिकॉर्ड के अंदर मेंशन होती है, इसकी अहमियत को वाजिया करती है। चौथा पॉइंट है जी कम्युनिकेशन एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ द केयर। कम्युनिकेशन मीन पेशेंट के साथ जो है बातचीत, फिजिशियन, नर्स, जो भी स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट है वो कम्युनिकेट जो कर रहा है पर्सन उसके साथ, पेशेंट के साथ किस तरह उसकी बातचीत हो रही है, ठीक है, और केयर की जो कॉन्टीन्यूटी है, केयर मुसलसल किस तरह की जा रही है, ये हेल्थ रिकॉर्ड हमें बताता है। पाँचवा पॉइंट है क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट। अगर वो क्लिनिक पे किसी क्लिनिक पे जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवाता है तो उसको आसानी हो जाए, एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन पे जो है ना वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड रिसर्च। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मींस के हेल्थ सर्व जो है, ये हेल्थ रिकॉर्ड जो है ना ये हमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट भी प्रोवाइड करता है, इसके अलावा रिसर्च बेस के ऊपर जो है हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है पेशेंट्स इंगेजमेंट्स एंड एम्पावरमेंट। पेशेंट को इंगेज किस तरह करना है, ट्रीटमेंट प्लान क्या है, रेस्ट रिजल्ट क्या है उसका, उसका हेल्थ एजुकेटर रिसोर्स क्या है उसको, ठीक है, मेडिकल इंफॉर्मेशन किस तरह प्रोवाइड की जाती हैं, पेशेंट को एम्पावर करना, ये सारी चीज़ें हेल्थ रिकॉर्ड में आती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।